हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाएंगे एक क्विक एंड इजी स्नैक व्रत के लिए। चलिए, इसके लिए सबसे पहले हमने पैन में एक टीस्पून ऑयल लिया, जिसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे आधा चम्मच, और अदरक और हरी मिर्च को कूट कर डालेंगे। तो अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं खाते हैं तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें पीनट्स को मैंने मिक्सी में चला लिया था, वो डाल दिया, पीनट का पाउडर आधा कप। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास साबूदाना का आटा है, मतलब साबूदाना को आप सिंपली मिक्सी में चला दें तो वो, और सम के चावल को भी मैंने मिक्सी में चला लिया था, वो थोड़े से ही लिए थे। सॉल्ट, पेपर और इन सब को अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 2 ही मिनट के लिए। इसे हमने अपने एक बर्तन में निकाल लिया है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू, जिसे मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया था, 3 हैं ये मीडियम साइज़ के। और अब इसे अच्छे से हम मिलाना शुरू करेंगे। तो हमें इसका एक डो जैसा, एक आटा जैसा गूंदना है। तो मैक्सिमम तो आपका इस आलू से ही हो जाएगा, मगर फिर भी अगर आपको ऐसा लगे ज़रूरत है तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं, थोड़ा पानी तो आपको डालना ही पड़ेगा, फिर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़रूरत है। अच्छे से मिक्स करके देखिए, आप इसे जिस चाहे उस शेप में बना सकते हैं। तो आपको उतना ही पानी या उतना ही गूंदना जितने में आपकी शेप्स बन जाए, आप कुछ भी मतलब उसे शेप दें। आप नगेट्स बना सकते हैं, या आप देख रही हैं जैसे मैंने ट्रायंगल्स बनाया है, आप टिक्की की शेप दे सकते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो ये जो स्नैक होता है, ये इसमें ना आपको बिल्कुल साबूदाना वड़ा का टेस्ट आएगा, और मेहनत उससे काफ़ी कम होती है, क्योंकि यहाँ पर हमें किसी चीज़ को भिगोना नहीं पड़ता जैसे हमें साबूदाने को भिगोना पड़ता है। देखिए, कुछ ऐसे मैं ट्रायंगल शेप दे रही हूँ। एक बार आप इसे शेप्स दे ले, फिर हम इसे मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई कर लेंगे, मीडियम हॉट ऑयल में, और हमें लो फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है 8 to 10 मिनट्स के लिए, या तब तक जब कि वो एकदम बाहर से गोल्डन और क्रिस्पी ना हो जाए। तो ये काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं, काफ़ी टेस्टी बनते हैं। अगर आपने फास्ट रखा है तो आपको इसे एक बार ट्राई करना तो ज़रूर बनता है। एक एक बार हम इसे अच्छे से पलट लेंगे, पलट पलट कर हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये हमारे एकदम रेडी हैं, तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।